भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस पदाधिकारी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी रविंद्र यादव से मांग की कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, मंत्री रघुराज सिंह, शिवसेना एमएलए संजय गायकवाड़ के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक देशभक्त व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं, जो कि देश का ना तो कानून बर्दाश्त कर सकता है और ना ही इस देश का कोई नागरिक बर्दाश्त कर सकता है। कांग्रेस जिन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की आदत बन गई कि कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों के खिलाफ गैर संवैधानिक टिप्पणियां करते हैं कि तत्काल रोका जाए। उपस्थित कांग्रेस जनों ने थाना प्रभारी से मांग की है कि क्षेत्र के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में भी भाजपा नेताओं कार्यकर्ता गैर संवैधानिक टिप्पणियां करते हैं, यदि उनके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो हम कांग्रेस जन उनका पूरी सूची बनाकर आपको प्रदान करेंगे और फिर बिना फिर FIR दर्ज करवाए थाने से वापस नहीं जाएंगे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर गैर संवैधानिक टिप्पणियां करने वाले लोगों पर रोक लगाएगी। थाना परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की तानाशाही नहीं चलेगी, भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करो, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, देशभक्ति परिवार का अपमान नहीं सहेगा, तान देशभक्ति का अपमान नहीं सहेंगे। भारतीय न्यूज के लिए मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। जैसा आप जानते हैं कि दो दिन पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल जी के खिलाफ टिप्पणी की और इतनी भद्दी टिप्पणी की कि यह कहा कि वो आतंकवादी है और उनके खिलाफ इनाम होना चाहिए। इसी तरह से भाजपा के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सेके पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने इंदौर में टिप्पणी की और शिवसेना सिंधे जो है उसके MLA संजय गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के अंदर राहुल जी की जीबान काटने को लेकर 11 लाख रुपए इनाम घोषित किया। इसको लेकर के हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग ब्लॉक कांग्रेस आस्था करते की तहत सभा खड़ी, ग्रामीण के अध्यक्ष महेश मुंडी खड़ी, शहर अध्यक्ष जायद गुड्डू, कमल सिंह जी सही सब लोगों ने आज FIR की मांग की। FIR के लिए हमने ये कहा कि आप इसमें FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि कोई भी देशभक्त परिवार के प्रति ये टिप्पणी नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री कोई भी व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता और भारतीय जनता पार्टी जो राहुल जी की जीबान काटने की बात करते हैं वो इसलिए बात करते हैं कि राहुल गांधी देश के युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के इस किसानों के अधिकार की बात करके, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भैया हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं हम कास्ट सेंसस करा करके जिसकी जितनी भागीदारी है किसको क्या मिला और इसके बाद हम आर्थिक सर्वे कराएंगे और उस आधार पर नीति बना करके लोगों को मुख्य विकास की धारा से जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा देश है, जो प्यार का देश है, मोहब्बत का देश है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण और भारतीय जनता पार्टी और RSS और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सह के ऊपर भाजपा के लोग इस देश के अंदर अशांति का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर हमने कहा है। इसके साथ ही हमने ये भी कहा कि लोकल के अंदर भी बहुत सारे लोग गंदी टिप्पणियां करते हैं, इतनी टिप्पणियां करते हैं जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है, वो भी कहते हैं कि फलाना फलाने की औलाद नहीं है। अगर हम उनसे ये कहेंगे कि आप अपने पिताजी का DNA कहाँ से बताओगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो दोनों तरफा चलेगा, अगर आप टिप्पणी करोगे तो फिर आप पे भी टिप्पणी होगी और आप पे भी FIR होगी। लोकल के मुद्दों को लेकर आपने TI साहब को अवगत करवाया, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लेके एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं या ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं जिससे शहर का माहौल खराब हो सकता है, उस पर थाना प्रभारी जी ने क्या कहा आपसे? थाना प्रभारी जी ने हमसे ये कहा कि हम बिल्कुल उनको मॉनिटर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोगों को पहले ही ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो, और अगर इसके बाद भी होती तो अगली बार हम उनसे आवेदन दे के बात को खत्म नहीं करेंगे, जो भी नाम जज व्यक्ति होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करा के जाएंगे, चाहे धार्मिक आधार पर किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करता हो, चाहे किसी पार्टी के खिलाफ, चाहे किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता हो तो टिप्पणी हमारे इस देश के अंदर और हमारे इस आस्था जैसे गंगा जननी तहजीब के शहर के अंदर हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।